तुम्हारे साथ बेटा, तुम परेशान ना हो। मुझे यहाँ से निकालिए प्लीज, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। हेल्थ के लिए आई हूँ यहाँ। तुम परेशान ना हो बच्चा, मैं अभी तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तुम अपने बच्चों के पास जल्द से जल्द जाओ। लो, तुम आजाद हो गई हो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरी बहुत हेल्प की है। आज आपकी वजह से मैं अपने बच्चों से मिलने जा रही हूँ। आपको जब भी मेरी जरूरत हो यहाँ आ जाइएगा, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। आपसे मिलके ऐसा लगा कि दुनिया में इंसान भी अच्छे होते हैं। वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया के इंसान बहुत ज्यादा खराब है, जो हम बेजुबानों पे सिर्फ और सिर्फ जुल्म करते हैं। हम परिंदों को बिल्कुल भी नहीं सोचते, कभी अपना शिकार करने लग जाते हैं। परिंदों को बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, कभी हमारे निशाने लगाते हैं, कभी हमारे शिकार करते हैं। बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि हमारे भी अपनी फैमिलीज हैं। मेरी बच्ची, छोड़ो इन बातों को, जाओ तुम अपने बच्चों के पास जाओ। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, वो भूखे होंगे। तुम जाओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ वापस आ गई हूँ। मुझे तो लगा कि मैं मर ही जाऊंगी, मैं अपने बच्चों से कभी भी नहीं मिलूंगी। पता नहीं ये इंसान इतने जालिम क्यों होते हैं। कभी हमें पिंजरे में बंद कर देते हैं, कभी हमारा शिकार कर देते हैं। क्यों नहीं सोचते ये लोग कि हमारे भी फैमिली से हमारे भी बच्चे होते हैं। लेकिन आज माँ जी से मिल के मुझे यकीन आया कि हर इंसान एक जैसे नहीं होते, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है, जीना इसी का नाम है। बोलो बोलो मेरे बच्चे, बोलो जी मम्मा। मेरे बच्चे ने खाना खा लिया मम्मा। मुझे बहुत भूख लग रही थी, आप कहाँ चली गई थी? आसपास से मुझे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मेरी बच्ची, इतना परेशान नहीं होते, तुम्हारी माँ है ना। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी बच्ची, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ जिंदा है। इस कहानी से हमें ये बात साबित होती है कि हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि हमें बेजुबानों पे जुल्म नहीं करना चाहिए। महज अपनी तफरियों के लिए, अपने फ़न के लिए उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उनकी भी अपनी ज़िंदगी होती है। उनकी भी ज़िंदगी होती है, उनके भी बच्चे होते हैं जो उनका घर आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हमें अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि वो कभी भी किसी भी बेजुबान के साथ ना तो बदतमीजी करें, ना ही उनके साथ शैतानी करें, ना ही उनको अज़ियत पहुंचाएं। प्लीज़ मेरे चैनल आशिक जाग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।